प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को यूएई के बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। मुस्लिम देश यूएई में बने इस विशाल हिंदू मंदिर पर भारत में यूएई के राजदूत अब्दुल नासिर अल ने कहा है कि भारत और यूएई सहिष्णुता और स्वीकार्यता के मूल्यों के रास्ते अपनी दोस्ती को और मजबूत कर रहा है। हालांकि यूएई पहला मुस्लिम देश नहीं है जहां हिंदू मंदिर का निर्माण किया गया है। दुनिया के कई मुस्लिम देशों या मुस्लिम बहुल आबादी वाले देशों में हिंदू मंदिर मौजूद हैं। आज उन्हीं देशों और वहां मौजूद हिंदू मंदिरों के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहला नाम है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चकवाल जिले में स्थित कटास राज मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ था। इस मंदिर परिसर में राम मंदिर, हनुमान मंदिर और शिव मंदिर हैं। मलेशिया भी एक मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन यहाँ हिंदू और तमिल समुदाय के लोग भी रहते हैं। मलेशिया के गोम्बाच में बातू गुफाओं में कई मंदिर स्थित हैं। इस गुफा के प्रवेश द्वार पर हिंदू देवता मुरुगन की एक विशाल मूर्ति है। अगला देश है इंडोनेशिया। वर्तमान में इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। हालांकि इसकी संस्कृति में हिंदू तौर तरीकों की भी झलक देखने को मिलती है। इंडोनेशिया में बड़ी संख्या में हिंदू मंदिर हैं। 9वीं सदी में बने प्रम्बानन मंदिर को देखने के पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी जा चुके हैं। भारत से अलग हुए बांग्लादेश में भी कई मंदिर हैं। 1.6 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश बांग्लादेश में लगभग 10% हिंदू रहते हैं। राजधानी ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर में बड़ी संख्या में हिंदू श्रद्धालु पहुंचते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में और भी कई मंदिर हैं। ओमान में भी कई हिंदू मंदिर हैं। फरवरी 2018 में ओमान दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी मस्कट के शिव मंदिर भी गए थे। मस्कट में इसके अलावा एक श्री कृष्ण मंदिर और एक गुरुद्वारा भी है। यूएई की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई की राजधानी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। हालांकि यूएई के सऊदी अरब में पहले से ही हिंदू मंदिर मौजूद हैं। दुबई संग्रहालय के सामने और अल फहीदी स्टेशन से कुछ दूरी पर एक शिव मंदिर है। इस मंदिर में पारंपरिक शिवलिंग और नंदी भगवान की मूर्ति है। इसके अलावा यहाँ एक शिरडी तीर्थ भी है। दुबई के जेबेल अली में भी एक हिंदू मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना पिछले साल ही हुई है। इसके अलावा बहरीन में भी 2 मंदिर हैं। काम की तलाश में भारत से कई लोग बहरीन की ओर रुख करते हैं। इसमें हिंदुओं की संख्या भी काफी होती है। उनकी धार्मिक आस्था को देखते हुए वहां शिव मंदिर और अय्यप्पा मंदिर का निर्माण कराया गया है। यूएई में बने बीएपीएस मंदिर के उद्घाटन के सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 14 जनवरी को यूएई में रहेंगे। पिछले 8 महीने में पीएम मोदी का यह तीसरा यूएई दौरा है। इस दौरान पीएम मोदी कतर भी जाएंगे।